सो गाइस, ये है विंडोज़ सेटिंग्स अपडेट का पार्ट टू। और आज हम देखेंगे कौन से नए नए जो विंडोज़ में से अपडेट आए हुए हैं सेटिंग्स में। सो वो हम सभी देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जो पार्ट मैं वो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए वॉच करिए। और अभी के लिए क्या क्या मुझे नई सेटिंग्स मिली हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मुझे दिखा है इसमें, देखिए गेमिंग में ना, ये जो कस्टम की है पहले से भी था और उसमें कुछ और ऐड चीज़ हो चुकी हैं, वो आप देखिएगा ना, यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कैप्चर में क्या चीज़ ऐड हुई है। देखिए, सबसे पहला बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग अब आ गया है इसमें। आप बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कितना लेंथ रखना चाहते हैं, 4 घंटे 2 घंटे वो सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक ये चीज़ क्या है, बंद हो जाएगा और जब आप गेम चालू करोगे ये तभी ऑन होगा। इसमें आपको मैनुअल शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है और माइक डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और इसमें बिटरेट आप सेलेक्ट करिए कितनी हाई क्वालिटी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। तो जितनी आप किलोबाइट्स जो ये रखेंगे तो उसका जितना हाई क्वालिटी रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सिस्टम साउंड, यानी कि जो गेम आप प्ले कर रहे हैं उसके अंदर जो साउंड है या सिस्टम के अंदर छोटे मोटे जो साउंड्स होते हैं, वो आपको वॉइस चाहिए है तो वो आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। प्लस माइक्रोफोन आप यूज़ करें तो उसका भी वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको जो एडिटिंग है उसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, तो काफ़ी हद तक जो ऑडियो है और जो वीडियो है अंदर गेम का ऑडियो, वो सब सेम रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेम रेट का ऑप्शन आ गया है। विंडोज़ का ये फीचर है एक्चुअली। वैसे तो देखिए, गेम्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, गेम्स होते हैं और ग्राफिक्स कार्ड के बाद भी ये चीज़ सपोर्ट करती है, लेकिन ये डिपेंड्स मॉनिटर कैसा है, प्रोसेसर क्या है आपके पीसी में और जनरेशन भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है हाई क्वालिटी सेट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपको हाई क्वालिटी रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, तो हम हाई क्वालिटी रखेंगे। नेक्स्ट गेम मोड में कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है बेसिकली, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है व्हेन गेम मोड इज़ ऑन विंडोज़ ऑप्टिमाइज योर पीसी फॉर प्ले। ठीक है, तो गेम मोड ये जो ऑन रहेगा तब आपका जो पीसी है एक्चुअली गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज रख देगा और जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स है वो शायद जो है मिनिमाइज्ड या फिर पॉज रहेंगे। ग्राफिक सेटिंग्स में मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। यहाँ पे शायद आप जो भी ऐप है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंसेस में चेंज कर पाएंगे। ठीक, ऐसे देखिए और ऐप आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे अपना गेम का वो सेलेक्ट कर लीजिए और चेंज हो जाएगा ग्राफिक सेटिंग्स। नेक्स्ट यहाँ ईज़ ऑफ एक्सेस में देखिए, सबसे पहला डिस्प्ले में तो देखिए मुझे वही ऑप्शन मिलते हैं अभी भी, और यहाँ से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मुझे लगता ऐड हुआ है। यहाँ पे शायद ऐड हुआ होगा सिंप्लीफाई एंड पर्सनलाइज विंडो, सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो होना है नहीं होना विंडो का। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसमें आप देखिए मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये बिल्कुल ग्रे हो गया है देखिए, और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे फीचर हैं। हाइड स्क्रॉल, तो ये जो है हाइड हो गया, ये देखिए। ठीक, तो ऐसे कुछ ये छोटे मोटे फीचर्स हैं। इसके बाद ये एनिमेशंस है, शो करना है नहीं करना विंडोज़ के, वो यहाँ से आप कर सकते हो। पहले डिटेल जो कंट्रोल पैनल है उसके सेटिंग से करना पड़ता था, बट अब ये वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए, तो कर्सर, बेस्ट कर्सर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट करके रखा हुआ है बिकॉज ये कॉन्ट्रास्ट वाला है। अगर ये ब्लैक पर होगा तो ये वाइट दिखाई देगा, एंड जन ये वाइट पर होगा तो ये ब्लैक दिखाई देगा, ऐसा ये है। और कोई भी अलग कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऑपोजिट कलर्स जो है वो सेलेक्ट करेगा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट कर्सर, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फाइनली इसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कलर के कर्सर्स, जो कर्सर टेक्स्ट कर्सर जो टेक्स्ट पे आता है वो टर्न ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको टेस्ट करूँगा तो विंडोज़ में मैं की दबाऊँगा और मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो अब देखिए ये जो है कर्सर आ रहा है ऐसे। ठीक, तो इसको चेंज कर सकते हो, कस्टम कलर पिक कस्टम कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑप्शंस हैं, बहुत कस्टमाइजेशंस पर्सनलाइजेशन के मामले में आ गए हैं, या कहें कि विंडोज़ 11 जो है ना उसके कुछ कस्टमाइजेशंस इसमें आ रहे हैं। इसके बाद है यहाँ से आप देखिए, तो इसको ये जो है कर्सर का जो विड्थ है, ये तो शायद पहले से था, इसको आप चेंज कर सकते हो। थिकनेस कितना होना चाहिए कर्सर का, टेक्स्ट कर्सर का, मैग्नीफायर कह लो। इसमें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट अब देखिए इसमें थोड़ा सा और चीज़ ऐड हो गई। ये 400 हो चुका है, पहले ये 200 तक था, अभी ये आप इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग ये भी ऑप्शंस है कुछ, यहाँ स्टार्ट में आफ्टर साइन इन ये भी स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल्स वगैरह चेंज करना है, कंट्रोल्स चेंज कर सकते हो मैन्युफैक्चर व्यू का, ठीक है, कंट्रोल अल्ट एफ। और ये इसके बाद ये कुछ और ऑप्शंस हैं, इसी के रिलेटेड ही हैं, और जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपके यूज़ ऐसा अकॉर्डिंग आप इसको चेंजेस कर सकते हो। बट इनको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी फीचर आप विंडोज़ में यूज़ करते हो तो विंडोज़ में अभी क्या हो रहा है, बहुत फीचर और कस्टमाइज़ किए जा रहे हैं, ईजी टू यूज़ बनाए जा रहे हैं, तो जो भी फीचर यूज़ करते हैं उसमें और सिंपल कर दिया गया है एक तरह से। आपके कलर फिल्टर्स मैं कहूँगा एक नया फीचर आया है, ये कलर फिल्टर एक्चुअली देखिए, ये नाइट लाइट जैसे आप ऑन करते थे, यहाँ कंट्रोल ए करेंगे, देखिए विंडो ए, तो ये देखिए यहाँ पे जो नाइट लाइट आता था पहले, ये अभी भी है। और इसके एक और चीज़ आ गया जो कि एंड्रॉइड फ़ोन्स में मिलता है, वो है ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल आप ऑन कर सकते हो, इससे सारा जो अपना विंडो है वो एक ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे देखिए कुछ भी आप ओपन करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट ही शो होगा, देखिए पूरा डेस्कटॉप ब्लैक एंड वाइट। इसको आप चेंज करने के लिए इस कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और इन्वर्ट करना है ये वाइट का ब्लैक ऐसे हो जाएगा, ग्रे स्केल इन्वर्ट करना है तो देखिए ऐसे हो जाएगा रेड ग्रीन, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ से भी यहाँ पे एक कस्टम वाला होना चाहिए था, कस्टम वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। सो ग्रे स्केल मैं कहूँगा यूज़फुल है, अगर आप ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं तो ग्रे स्केल कभी कभी यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट मैं पहले यूज़ करता था, ये विंडोज़ 7 के टाइम से मैं कस्टमाइज और बनाते आया हूँ, तो हाई कॉन्ट्रास्ट में मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी कुछ और चीज़ ऐड हुआ है, सारे वही फीचर्स के हैं। थीम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ तो वही आपका थीम सेटिंग वही पुराने वाले आ जाते हैं, ठीक। सो अभी नॉर्मल विंडोज़ ही मुझे सही लगते हैं, क्योंकि अगर इसमें कस्टमाइजेशन होता और ये जो विंडो वाला ये चीज़ है ये अगर ऐसा ही दिखाई देता तो मैं हाई कॉन्ट्रास्ट ही यूज़ करता जैसे विंडोज 7 में करता था, क्योंकि उसमें आप कस्टम एक कलर बना सकते हो, अपना जो थीम बना सकते हैं। बट विंडोज 10 ये अलाउ नहीं करता है ज़्यादा कस्टमाइजेशन थीम्स में। नैरेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये जो कुछ ऑप्शंस हैं ये वाले ये कुछ नए ऐड हुए हैं, और ये कंट्रोल पैनल कंट्रोल्स की से भी कुछ नए आ गए हैं। और यहाँ पे ये तो पहले से था, वॉइस वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कुछ नए वॉइस ऐड करे गए हैं इसके अंदर अगर हम नैरेटर यूज़ करते हैं तो। और ये कुछ नए ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी, बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी मैं अगर इनको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक मुझे एक टॉपिक बता सकते हो विंडोज़ में आपको ये चीज़ जानना है। नेक्स्ट ऑडियो, ऑडियो में देखिए तो ये कुछ एक ऑप्शन ऐड हुआ है मेरे ख्याल से, ये तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का है, ओके। सो यहाँ से तो कर सकते हो कि यहाँ से एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, और कीबोर्ड में एक की होता है उससे हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्न ऑन मोनो ऑडियो, तो स्टीरियो जो ऑडियो है आप यूज़ करते हैं वो भी एक अपना अच्छा ऑप्शन है, लेफ्ट राइट साउंड सराउंडिंग का। मोनो ऑडियो भी अभी इसमें आ चुका है, चलिए कोई नहीं, कुछ कुछ जगह पे जैसे एक साइड से ही साउंड आ रहा है तो आप उसको मोनो कन्वर्ट करके ना यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये देखिए बीएससी जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं उनमें होता है, बट अब ये विंडोज़ में भी है अगर आप बाहर से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट ये कुछ हैं, फ्लैश द एक्टिव विंडो शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली, तो हो सकता है जब आप बोले तो यहाँ पे कुछ ऊपर की साइड में ऑडियो के जो विजुअल से वो दिखाई दे फ्लैश हो, ठीक। नेक्स्ट क्लोज कैप्शंस, ये सिर्फ और सिर्फ आप जैसे वीडियो प्ले करेंगे तो आपको शो होगा मीडिया प्लेयर में विंडोज़ वाले। स्पीच यहाँ पे भी नरेटिंग टाइप का है, टर्न ऑन स्पीच रिकॉग्निशन, तो ये देखिए ओके। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हुए हैं तो इनको आप यूज़ करेंगे तो अभी थोड़ा इनको सेटअप करना रहता है, पहले डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कीबोर्ड मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए जो एक फ़िज़िकल कीबोर्ड्स के ऑप्शंस है इसमें कुछ, ठीक है, यूज़ योर डिवाइस विदाउट फिज़िकल कीबोर्ड, तो ऐसे कर देंगे तो आपको जो कीबोर्ड ऐसे वाला ये वाला आ जाएगा, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं। माउस है ओनली तो उनके लिए आप ये चीज़ ठीक है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे स्टिकी की है, स्टिकी की है तो मैंने यूज़ नहीं किया है, हालांकि ये पहले से था। कुछ और ऑप्शन इसमें ऐड हुए हैं जैसे यूज़ टॉगल की, कुछ कस्टमाइज़ किया गया इनको, देखिए कुछ नए नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ये भी कुछ नया, मेक इट ईजियर टू टाइप, ठीक है, ये कुछ नया ऐड हुआ है। माउस में कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, चेंज माउस सेटिंग्स करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल के साइड में ये वाले चीज़ ऑप्शन आ जाएंगे और ये माउस वाले ऑप्शन हैं। और यहाँ पे क्यों दिया गया मुझे नहीं पता, बट इंट्रैक्शन के लिए चलो ठीक है इनपुट। नेक्स्ट है आई कंट्रोल, आई कंट्रोल ये ओनली लैपटॉप्स पे ही काम करता है, ज़्यादातर वैसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है कंप्यूटर में, तो वेबकैम आपको अगर यूज़ करना है तो वेबकैम लगाइए तो हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च, तो ये मुझे एक नया ऑप्शन मिला है, ये हालांकि पहले भी था लेकिन ये कहीं और था, मतलब ये जो विंडो पैनल है उसके अंदर ही था, ये सर्च कस्टमाइज़ करने का है ये। और यहाँ से आप इसको सर्च हिस्ट्री डिलीट करना है, कैसा रखना है, फाइल्स वगैरह, सर्चिंग विंडोज़, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन एक नया ऐड हुआ है यहाँ पे। आप देखें तो इनहेंस में जाएंगे, तो इनहेंस में ये क्या करेगा, आपका जो पूरा पीसी है उसकी लाइब्रेरीज वगैरह और जो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब फीचर्स वो उनको एनेबल करने के लिए इसमें हैं। दिस ऑप्शन में भी रिड्यूस बैटरी परफॉर्मेंस, यानी कि ये थोड़ा सीपीयू कंज्यूम ज़्यादा करेगा लेकिन आपकी सर्चिंग जो फाइल ढूंढने का वो है वो तरीका वो फास्ट कर देगा और बेहतर बना देगा और ऑप्शन आ जाएंगे। बट इसमें यह है कि अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को तो ये थोड़ा सा सीपीयू ज़्यादा यूज़ करेगा, तो आपका बैटरी ड्रेन जल्दी होने का चांसेस है, तो आप यूज़ करिए। वैसे तो देखिए मुझे लगता है जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी एक बैटरी सेविंग का फीचर होता है, तो बैटरी सेविंग जब ऑन करेंगे तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्टली उन्हीं फीचर्स को ऑफ कर देगा जिन फीचर से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है, तो ये मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। और ये लैपटॉप में यूज़ नहीं करो तो ठीक है क्योंकि वहाँ बैटरी लाइफ का इशू होता है, तो आप लो परफॉर्मेंस वाले फीचर्स ही यूज़ करो। विंडोज़ में तो बहुत चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें आप लैपटॉप में नहीं कर सकते क्योंकि लैपटॉप में बैटरी और पावर का थोड़ा लिमिट रहता है, कंप्यूटर में अभी कोई लिमिट नहीं है, अभी तो वहाँ आप प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेक्स, और तो ये चीज़ें भी हैं, इंडेक्सर परफॉर्मर, ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी, बिल्कुल नया फीचर आया। ये देखिए एक और है एडवांस, इसका एक ऑप्शन और दिया गया है, तो इनको आप जैसे अगर अपना विंडोज़ का सर्चिंग इन्हेंस करना चाहते तो इसके लिए ये यूज़ करिए। और यहाँ पे आप देखिए तो एक बैकग्राउंड ऐप्स में मुझे लगा है यहाँ पे कुछ, वैसे तो यही थे लेकिन आप इनको ऑफ़ भी कर सकते थे, तो मैंने देखिए इनको ऑफ करके रखा हुआ है। ये ऑन कैसे है, मैंने इन्हें ऑफ़ कर दिया था। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐप डायग्नोस, ये कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये क्लिक किया ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड, ये भी एक नया ऐड हुआ है, इसमें जो भी वन ड्राइव है आपका वहाँ अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं तो वन ड्राइव अगर इंस्टॉल्ड है तो ये ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड कर लेगा जैसे आप विंडोज़ में साइन इन या करेंगे या फिर रिसेट करेंगे उसके बाद। डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ ये फोल्डर वाली चीज़ें, देखिए डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, फाइल सिस्टम, इनको आप परमिशन अलाउ करना है नहीं करना है, फाइल सिस्टम वगैरह इनको और कस्टमाइज करने का ऑप्शन चाहिए। और वॉइस एक्टिवेशन, यहाँ कुछ कोर्टाना वाला सिस्टम ही है, अभी इसमें तो कोपायलट नहीं आया खैर, तो कोर्टाना ही चलेगा विंडोज़ 10 में, तो 11 में कोपायलट है बस। तो टास्क वाले में भी देखें तो ये सारे बेसिकली कुछ ऐप्स का ही है, इनको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, एक ऐप सेलेक्ट कर सकते हो इधर से कहीं, तो अभी मैं तो विंडोज़ वाले यूज़ करता हूँ नॉर्मली, तो उनमें काम हो जाता है। बाकी ये भी कुछ एक्टिविटी का है, और यहाँ पे ये कुछ डायग्नोस्टिक ये चीज़ें ऐड हुई, डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक बहुत कम यूज़ होता है वैसे तो। लिंकिंग एंड टाइपिंग ऑफ पर्सनलाइजेशन, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका जो डेटा में क्या है वो जो माइक्रोसॉफ्ट में अपलोड नहीं होगा, तो ये जो है टाइपिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाएं क्योंकि वो आपका डेटा यूज़ करेंगे, देन आपके जो भी टाइपिंग पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करके आपको बेटर जो सजेशन है वो दे पाएंगे। ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन, अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं विंडोज़ माइक वगैरह तो इसमें ये चीज़ को ऑन करिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और गाइस यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को देख लेते हैं एक बार, विंडोज़ अपडेट में हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा, एक एडवांस वाले फीचर्स में ये कुछ नया ऐड हुआ है नोटिफाई करने का, सेलेक्ट डेट कर सकते हो, ये शायद पहले से भी था। ठीक, तो यहाँ पे मुझे कोई नए फीचर्स ऐड हुए नहीं दिखे। विंडोज़ सिक्योरिटी में कुछ नया ऐड होना चाहिए था, चलिए तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं ऐड हुआ है, सारे जो फीचर्स है वो सेम ही हैं और यहाँ पे भी सब सेम है। सो गाइस ये थे कुछ बेसिक से फीचर, और यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नया फीचर नहीं देगा, विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम ओके, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नया फीचर ऐड नहीं हुआ है। सो गाइस जितने फीचर फिलहाल के लिए इसमें ऐड हैं और जितने ही फीचर्स हैं अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर और जनरेशन वाइज कंप्यूटर कौन सा है, तो हो सकता है उसमें जो विंडोज़ अपडेट है वो डिफरेंट आए। ठीक, और जो विंडोज़ अपडेट है अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो होता है कि यह है कि नए नए फीचर जो है ऐड होते रहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप कॉर्नर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे कोपायलट का एक ऑप्शन आ गया, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली एज ब्राउज़र को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, और यहाँ कुछ और ऑप्शन सेटिंग्स हैं कस्टमाइज करने के लिए, तो ये एज ब्राउज़र में ले जाएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं।
और इसको आप पिन आउट करना चाहें, देखिए पिन हो गया ये, अभी ये यहीं पे रहेगा। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे ओपन कर सकते हो, तो ये जो है यहाँ पे पिन रहेगा। इसको आप हटा देंगे तो ये जो है ऐसे क्लिक करके आप इसको कट कर दीजिए, साइड हो जाएगा। तो ये जो है कोपायलट प्रीव्यू, ये नया आया है बट यहाँ पे एडेड है विंडोज़ 11 में। यहाँ पे ये एज असिस्टेंट भी काम करता है। सो गाइस ये थे वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।